ने तहसील के खापा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक 47 वर्षीय युवक की लाश सड़ी गली अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक प्रॉपर्टी डीलर होने की पुष्टि की गई है। युवक 16 सितंबर से गुमशुदा था। खापा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार खापा पुलिस स्टेशन अंतर्गत बड़े गांव महारकुंड मार्ग पर नाले के करीब एक अज्ञात शव सड़ी गली अवस्था में पड़ा होने की जानकारी थानेदार अजय मानकर को प्राप्त होते ही वे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शिनाख्त कर शव को शवच्छेदन हेतु नागपुर मेडिकल थाना कर आगे की जाँच में खापा पुलिस जुट गई है। उक्त घटना के तेजसी जांच चरण में पता चला है कि उक्त शव नागपुर अजनी निवासी प्रदीप जनार्दन बागड़े का होने की पुष्टि अजनी थाने में 16 सितंबर को दर्ज गुमशुदा रिपोर्ट के आधार पर हुई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक प्रदीप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता था। उसके परिजनों के नागपुर अजनी थाने में 16 सितंबर को उसकी गुमशुदा रिपोर्ट लिखाई थी। शायद प्रॉपर्टी डीलिंग के चलते ही उसकी हत्या कर उसका शव खापा थाना अंतर्गत बड़े गांव महारकुंड के जंगल में लाकर फेंक दी गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि थानेदार अजय मानकर ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।